तो ये देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को मैं थोड़ा सा इसलिए बेसिक ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि बच्चों के जो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी होता नहीं है, तो सवाल जो जो क्वेश्चन के हेल्प से कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाती है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाता बच्चों, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा भला हो अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को देखो, चाहूँ तो मैं एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, बट थोड़ा सा मैं इसलिए कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। माइक्रोस्कोप का उधर डायग्राम है, दो पॉइंट है और ये दो पॉइंट को अलग अलग देखना है, तो इनके बीच का सेपरेशन जो डी है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डी, वो हम जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ये लेंस है, अगर मैं एक यहाँ पे लेंस रखता हूँ और वो जो लेंस है, ये जो लेंस है दिस इज़ द लेंस, और ये जो हॉरिजेंटल वाली लाइन है वो एक एंगल, ये थीटा है, और इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का सेपरेशन डी है, और ये मैं मिनिमम रखना चाहता हूँ, और ये मैं चाहता हूँ ये जो माइक्रोस्कोप है इनको अच्छे से अलग अलग करके देखे तो ज़्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप कहलाएगा। तो इसके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है डायरेक्ट ये जो स्पेस बच गया, जो कोन का स्पेस बच गया, ये किसी फ्लूइड से भर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो और जो कि डी मिनिमम जो है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ यहाँ से रिजोल्यूशन जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1.22 लैम्डा, और यहाँ से 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक ना। तो ये वाली जो है वो है डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजॉल्विंग जो पावर होता है, रिजॉल्विंग पावर आप आई होप कि आपको पढ़े होंगे, रिजॉल्विंग यहाँ से रिजॉल्विंग पावर, तो रिजॉल्विंग पावर की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/d लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो इसका जो उल्टा करोगे तो 2 μ sin θ यहाँ से और यह आ जाएगा 1.22 लैम्डा। तो ये पूछ रहा है यहाँ से रिजॉल्विंग पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आएगा एक लेंस के लिए, ये वाली चीज़, ठीक ना। ये यहाँ से एक फ्लूड से भर देते हैं, तो आई होप कि ये फार्मूला अब यहाँ से डायरेक्ट दो बार लगा दो, तो डायरेक्ट अगर इसको दो बार लगा दोगे तो रिजॉल्विंग पावर यहाँ से, रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट केस में और यहाँ से रिजॉल्विंग पावर सेकेंड केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है λ1/λ2। तो यहाँ से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है λ1/ इनवर्स में है ना। तो यार क्या कर दिया मैं प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा मैं मिटा दूँ कभी कभी जो है। तो यहाँ से तुम देखोगे इनवर्स में है तो 2/1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ से दिया हुआ है, 2 का यहाँ से 6000 दिया है और यहाँ से 4000 दिया हुआ है, ऊपर देखो क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो λ2 6000, λ1 4000 है, तो जब इसको काटोगे तो 3:2 अपना दिखने लगेगा। 3:2 का मतलब ये होता है कि 3:2 मतलब अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है।